अमित शाह और पीएम मोदी के बाद में योगी की सबसे ज्यादा मांग सभी चुनाव में रही है। और अब जबकि 8 तारीख को दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है, 12 ऐसी रैलियां हैं जो एक के बाद एक लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में करेंगे। जाहिर तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी की राह देख रही है, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार, अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए एडीसी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर उनकी 12 रैलियां एक के बाद एक लगाई गई हैं और इन रैलियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। सबसे ज्यादा रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जैसा कि 12 रैलियों का जिक्र किया जा रहा है। 1 फरवरी, 4 फरवरी, यानी कि 1 फरवरी को 4 रैलियां होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक दिन के अंदर। 2 तारीख की अगर बात करें तो उसमें 2 रैलियां रखी गई हैं दिल्ली के अंदर। साथ ही साथ में 3 फरवरी को भी 4 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के 4 रैलियों को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। और फिर 4 फरवरी को 2 रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में रखी गई हैं। तो ये वो ब्यौरा है जिसके आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये 12 रैलियों का जिक्र, जिसके जरिए से बीजेपी को चुनावी मैदान में मजबूती के साथ में आगे बढ़ाने के लिए और जनता का विश्वास जीत करके बीजेपी को सत्ता तक लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग कुछ इस तरीके से दिल्ली के अंदर न सिर्फ बढ़ी है, और न सिर्फ दिल्ली बल्कि जितने भी चुनाव हुए इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पहुंच करके बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की है। और अब ऐसी स्थिति में आपने देखा कि पिछले चुनाव में भी अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते रहे हैं, और अब आने वाले दिनों में अब दिल्ली के अंदर होंगे। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर चुनावी सरगर्मी तेज है, चुनावी गामे-गामे चल रही है। और इस बीच में अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रैलियां करते नजर आएंगे। हमारे साथ में अमित इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, जाहिर तौर पर ये चुनाव कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए एक इस स्थिति में है जहां पर करो या मरो की स्थिति है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ना दिल्ली में किस तौर पर देखा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अलग अलग जगहों पर भी बीजेपी के लिए वोट मांगा है, दिल्ली में इसका कितना बड़ा असर दिखेगा? देखिए, योगी की बात करें तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रहे जब वो सांसद थे तब से, लेकिन अब जब से यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं और इसीलिए स्टार प्रचारकों की जो डिमांड होती है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री और अमित शाह के बाद फिर योगी आदित्यनाथ का ही नंबर आता है जिनकी डिमांड चुनावी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ा कि रिकॉर्ड रहा है कि योगी जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार में गए ज़्यादातर जगह बीजेपी को सफलता मिली है, और यही वजह है कि काफ़ी समय से योगी की डिमांड चल रही थी, क्योंकि 6 तारीख तब चुनाव प्रचार होना, इससे पहले यूपी में खासतौर जो गंगा यात्रा चल रही है वो भी उसे भी देखना है। तो यही एक वजह थी कि जिस वजह से योगी के कार्यक्रमों को बाद में लगाया गया है। और अब 31 तारीख को गंगा यात्रा समाप्त करने के बाद 1 तारीख की शाम को योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद फिर उनके कार्यक्रम प्रस्तावित है। कुल मिला के 12 रैलियां रखी गई है। कहां कहां ये रैली होनी है अभी इसे लेके जरूर रूपरेखा नहीं तय की गई कि किन क्षेत्रों में करेंगे, लेकिन 1 से लेकर 5 तक लगातार जो है उनकी 12 यहां सब जनसभाएं रखी गई हैं। और जाहिर तौर पर हर प्रत्याशी दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए, जी दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल का इलाका हो या फिर बिहार के लोग हो, एक बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। और ऐसे में आप जिनका जुड़ाव यूपी से है, पूर्वांचल से है यूपी के या फिर बिहार से है, कहीं ना कहीं इस नजरिए से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों को बड़े स्तर पर रखा जा रहा है। देखिए, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक सबसे बड़ी चीज़ की जिसकी आप बात कर रहे हैं कि यूपी या पूर्वोत्तर या पूर्वांचल के जो लोग हैं खासतौर पे, उन लोगों की आबादी, उन लोगों पे तो असर पड़ेगा ही, लेकिन योगी जिस तरह से बोलते हैं, खासतौर पे रिसेंटली अभी जो उनका बयान आया था कि किस तरह से पुरुष जो है वो रजाई में घुसे हैं, तो जो फायर ब्रांड आवाज़ योगी की होती है जिसे विपक्ष जो है लगातार सांप्रदायिकता की बात करता है, उनके बयानों की कई बार जो है वो यहाँ पे निंदा की
जाती है विपक्ष के द्वारा, लेकिन योगी की जो एक इमेज है वो अपनी अलग इमेज है। जिस तरह फायर ब्रांड के रूप में जाने जाते हैं, जिस तरह से वो वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, वो भी जग जाहिर है। तो यही एक बड़ी वजह है कि ना सिर्फ उन इलाकों में योगी की डिमांड होती है जहाँ पे पूर्वोत्तर पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बल्कि उन इलाकों में भी डिमांड होती है जहाँ अन्य प्रदेशों से आए हुए लोग हैं। यही वजह थी, चाहे हरियाणा की बात करें या अन्य प्रदेशों की बात करें, जहाँ भी चुनाव जी मुख्यमंत्री की डिमांड वहां पर रही और उन्होंने जाकर के बीजेपी के लिए वोट मांगा और उसका बड़ा फायदा भी हुआ। मगर मौजूदा वक्त में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं सीए के विरोध करने वाले को लेकर के जिस तरीके से कटाक्ष हो रहा है और जो एक बड़े मुद्दे के तौर पर इस चुनाव में हावी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंसा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ में उत्तर प्रदेश में कड़ी कार्रवाई की है, जबकि दूसरे जगहों पर उस स्तर पर कार्रवाइयां नहीं हो पाई हैं या किसी न किसी शक्ल में जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उनके ऊपर अंकुश नहीं लगा है। तो अब जबकि इस चुनाव के अंदर सीए या विरोध प्रदर्शन या शाहीनबाग जैसे मुद्दे हावी हैं, ऐसे में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी दिल्ली में बीजेपी के लिए एक फायदेमंद साबित होगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकारी या जो निजी संपत्ति को नुकसान होने पे दंगाइयों से भरपाई करना, इस तरह का बयान दिया, कई बार उनकी विपक्ष द्वारा आलोचना की गई, लेकिन वो अपने बयान पे अडिग रहे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब जो पहले होता आ रहा वो नहीं होगा। और यही एक बड़ी वजह है कि कई राज्यों ने योगी के बयान को मिसाल के रूप में यहाँ पे पेश किया है। और चूंकि योगी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पे जो दिल्ली का चुनाव है, खासतौर पर भले ही अरविंद केजरीवाल कुछ भी बोलते हो अपने 5 साल के विकास कार्यों की या जो सब्सिडी दी है उसकी दुहाई देते हो, लेकिन शाहीन बाग एक बड़ा मुद्दा है। और यही वजह है कि कौन शाहीन बाग के साथ में और कौन इसके खिलाफ बीजेपी के लिए अहम टारगेट है। खासतौर पर जब हमारी कई नेताओं से बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 10 लाख वाहन खासतौर पर उस इलाके से गुजरते थे वो आज नहीं गुजर पा रहे, जिस तरह से लोग प्रताड़ित है इस लगातार जो शाहीन बाग में प्रदर्शन हो रहा है उसे लेके, तो जनता उस बात का जवाब देगी। तो चलिए, बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए, आप निगाह बना करके रखें।